आप देख रहे हैं समाचार ए टू जेड। महिला के साथ दुष्कर्म के बाद हैवानियत, खबर औरैया जिले से है। यहां दिव्यापुर थाना क्षेत्र के झपटियापुर गांव में एक महिला के साथ गांव के ही युवक ने घर में घुसकर न सिर्फ मारपीट की बल्कि दुष्कर्म की। घटना के बाद महिला के नाजुक अंगों में सरिया से हमला कर घायल भी कर दिया। महिला का इलाज CHC दिव्यापुर में कराया गया है। वही पुलिस ने घटना के 3 दिन बाद आरोपी के खिलाफ 452, 376, 326 IPC के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल घटना के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि झपटियापुर गांव की रहने वाली इस महिला के साथ गांव के ही सोनू नामक युवक से किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई थी, जिसके बाद महिला का आरोप है कि महिला ने जब पुलिस से शिकायत की तो आरोपी सोनू को ये बात ना गवार गुजरी और पीड़ित महिला के घर दोबारा आ पहुंचा और महिला के साथ मारपीट के बाद सिर्फ ना दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया बल्कि उसके निजी अंगों में भी सरिया से हमला किया गया। पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका, क्या घटना घटी आपके साथ? मेरा नाम सीता है और शाम की लगभग 9:30 बजे की बात है। हमारे स्वयं घर पे नहीं थे और वो लड़का घर पे आकर पूछा मुझे ना कि तू थानी क्यों गई थी, तो हम मतलब मैं डर गए, हमने कहा कि तुमने मुझे पहले मारा था तो हम टीके हम देने गए थे और उसने मुझे सरिया मतलब उन्होंने मार दिया नीचे और हम जब चिल्लाए तो सब लोग दौड़ के हमारे पास आए और देखो हमारे जो घर की थी वो आज हमारे मतलब सभी ने मदद दी और देखो रामगढ़ डॉक्टर के यहाँ ले गए। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि देखो वहाँ पर ले जाइए, इसका करवाइए, इसके बाद हमारे पास आई हूँ। वहाँ से उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, सीधे जैसे जाइए। और पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई? पुलिस की कार्रवाई की गई भैया, हमारे स्वयं घर पे नहीं थे और वो लड़का घर पे आकर पूछा मुझे ना कि तू थाने क्यों गई थी, तो हम मतलब मैं डर गए, हमने कहा कि तुमने मुझे पहले मारा था तो हम टीके हम देने गए थे और उसने मुझे सरिया मतलब उन्होंने मार दिया नीचे और हम जब चिल्लाए तो सब लोग दौड़ के हमारे पास आए और देखो हमारे जो घर की थी वो आज हमारे मतलब सभी ने मदद दी और देखो रामगढ़ डॉक्टर के यहाँ ले गए। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि देखो वहाँ पर ले जाइए, इसका करवाइए, इसके बाद हमारे पास आई। वहाँ से उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, सीधे जैसे चलेंगे। और समाचार ए टू जेड के लिए औरैया से सतेन सेंगर की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार ए टू जेड।